से और हमारे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हमारे इस प्रयास में आप लोगों ने आकर के अपना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास जैसा कि टेपी का उद्देश्य है, यही रहा है कि जो कुटीर उद्योग के लोग हैं इनको सारी सुविधाएं तो मिल जाती हैं पर मार्केट मुहैया नहीं कराया जा पाता, तो हमने एक मार्केट मुहैया कराने के लिए एक ये हर एक माह एक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, क्योंकि बाकी मेले जो लगते हैं वो साल में एक बार लगते हैं, जिनसे कि किसी भी व्यापारी को किसी भी व्यापार के लिए कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक प्लान नहीं तैयार कर पाता है। अगर हर माह उन्हें हम एक मार्केट उपलब्ध कराएं तो 2 से 3 महीने के बाद उनको एक अंदाज लग जाता है कि उनका प्रति माह सेल का क्या आ पाएगा, तो सही में मार्केट मुहैया। हमारे झारखंड का नाम इन्होंने इंडिया यूनिवर्स वाले प्रोग्राम में। टेफी ने आदरणीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल टेफी उद्यमयान की शुरुआत की है, जो अब पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार करेगा। और चलिए, इस पहल में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। टेफी उद्यमयान दिवाली बिजनेस मीट और एग्जीबिशन के उद्घाटन पार्लियामेंट राज्यसभा गेस्ट ऑफ ऑनर श्री किशोर मंत्री अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पेशल गेस्ट के रूप में एडवोकेट और ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष श्री पी के लाला तथा इस संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद श्रीवास्तव एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रंजन जी ने आज कुटीर लघु कुटीर उद्योग तथा स्टार्टअप बिजनेस किसी भी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ होते हैं, जिनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। टफी की डायरेक्टर ऑपरेशंस एवं FJCCI अध्यक्ष महिला उप समिति आस्था किरण ने बताया कि कुछ वर्षों पहले से ही इस संस्थान की परिकल्पना की जा रही थी, जिसमें लघु कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाएं एवं स्टार्टअप से जुड़े युवा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी रहती है, उनके लिए एक बिजनेस मिड डे एग्जीबिट एजुकेशन के साथ साथ व्यवसायिक प्रमोशन का मंच बनाया जाए। आज ये सपना साकार होता दिख रहा है। इस सोच में टफी की नाम से ही पुकारेंगे। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब हम लोगों के हिसाब से मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, यानी कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, कोई भी हो, वो इस संस्थान के मुख्य सलाहकार के रूप में चैम्बर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री, टैक्स एडवोकेट एवं ह्यूमन राइट्स मिशन के अध्यक्ष श्री पी के लाला, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार एवं पूर्व पलामू एमपी श्री ब्रिज मोहन राम जैसे मजबूत स्तंभ हमारे साथ हैं। टेफी संस्था की सचिव सगुन कुमारी, सहसचिव एवं मीडिया प्रभारी के रूप में सुषमा सिन्हा एवं संयोजिका कोमल कुमारी, संस्थागत गतिविधि जैसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप आए और अपने शब्दों में कुछ कहें, क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि यूथ्स भी अपने स्टार्टअप को लेकर यहाँ पे आई हैं। आपके लिए तो जर्नी बहुत टफ रहा होगा, तो आप अपने शब्दों में कुछ कहें। नमस्कार सभी को, ऑल द जूरी मेंबर्स अवेलेबल हियर, द डिग्निटरीज, एंड मैं बहुत खुश हूँ आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। आई नेवर बिलीव्ड इट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई, वहाँ पे हमारा नेशनल लेवल पे कॉन्टेस्ट था, बट वहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्टेस्टेंट्स आए थे फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स। झारखंड से भी मैं गई एंड वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मुझे मतलब इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल का ये प्राउड मोमेंट आई विल गेट इट, बट विद द गॉड ग्रेस एंड एवरीबडीज ब्लेसिंग
आई गॉट इट। सो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे झारखंड का नाम और रोशन करूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरी वन प्रेजेंट हियर फॉर द गुड विशेस। थैंक यू सो मच। की जानकारी देने हेतु सहयोग करती रहेंगी। इस संस्था के कार्यक्रम के इवेंट पार्टनर के रूप में डेस्टिनेशन प्लानिंग की हेड मोमिता बनर्जी ने इवेंट को संचालित करने का दायित्व उठाया है। दिवाली बिजनेस मीट और एग्जीबिट के एसोसिएट के रूप में एम्पियर मोटर के अभिषेक जायसवाल, आघा मसाला के सजल सहाय, ओम फिशरीज के कविस तथा एस्थेटिक बुटीक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उद्यमयान के विजन और मिशन के तहत 7th एंड 8th नवंबर को दिवाली मेला बिजनेस मीट एंड एग्जीबिट का आयोजन स्वागतम बैंकट हॉल सजानंद चौक हरमू में आयोजित किया जा रहा है। टेफी की डायरेक्टर ऑपरेशंस आस्था किरण ने बताया कि इस मेले में लघु कुटीर उद्योग एवं स्टार्टअप से जुड़े कई उद्यमी बिजनेस मीट और एग्जीबिशन के माध्यम से अपने व्यापार विस्तार के बारे में बात करेंगे तथा प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे। ये बिजनेस मीट और एग्जीबिट प्रतिमा लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस बिजनेस मीट एवं एग्जीबिट में MSI, MI की और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन और कार्य प्रणाली की जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मेले में रोचकता बढ़ाने के लिए बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन तथा महिलाओं के लिए दिवाली के अवसर पर बनाई जाने वाली मिठाइयों से जुड़े कई प्रतियोगिता भी आयोजित किए जाने वाले हैं। 8 नवंबर को पंडित पीयूष पाठक जी के द्वारा गंगा आरती के तर्ज पर लक्ष्मी आरती का भव्य आयोजन शाम 4:30 बजे से किया जाना तय हुआ है। इस मेले में हर तरह के स्टार्टअप से जुड़े लोग बहुत ही न्यूनतम दर पर स्लॉट बुक करा सकते हैं, साथ ही साथ संस्था की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। अधिक जानकारी सदस्यता और सहयोग के बारे में टेफी ऑफिस तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला उप समिति अध्यक्ष आस्था किरण जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, आप लोग सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महिमा जी नाम आई हैं और भी रेस्ट बिग डिग्निट्रीज आर हियर, सो इट्स अ वेरी ऑनरेबल एंड प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ना चाहूँगी। और जो प्लेटफॉर्म आज मुझे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, क्या लगता है कि इस तरह के स्टॉल लगने से महिलाओं के रोजगार को भी एक तरह से बढ़ावा मिलता है, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये उनको देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सोच से अच्छे हैं, अगर हम आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हैं तो हमें कोई रोक नहीं। देखिए ऐसा है कि अभी के समय में लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे समाज में बेटियों को हमेशा ऊँचा दर्जा दिया गया है और बेटियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं। छोटे शहरों में अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, छोटे शहरों में लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते थे, तो अब ये देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो हमारी सरकार है वो बेटियों को इवन लड़कों को आगे बढ़ने का बहुत मौका दे रही है। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा नमस्कार रहेगा सभी को कि इसी तरह हमारे देश की तरक्की। परिचय दे दीजिए कैमरा के लिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रज्ञा दीप है, मैं रांची में रहती हूँ। मैं अभी 29 अक्टूबर को मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल का खिताब जीत कर आई हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ साथ ये झारखंड के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही चाहूँगी कि आप लोग भी हमेशा इसी तरह से साथ देते रहें। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे एक व्हील चेयर में एक महिला बैठी हुई, जिन्होंने स्टार्टअप किया, उन्हें देख कर और ये एग्जीबिशन देख कर कैसा लगा आप? विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, लेकिन असली विमेन एम्पावरमेंट में इस तरह के स्टॉल्स भी देखने को मिलता है कि महिलाएं इतना जोश इतने हौसले के साथ स्टॉल्स लगाती हैं। एक महिला को आपने देखा होगा जो
कहीं जगह कुछ दिक्कतें आती हैं उसे, लेकिन फिर भी इतने हौसले के साथ वो आकर अपना स्टॉल लगाएंगे। तो ऐसे लोगों को इनक्रेज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए इस तरह से मेले में। आस्था किरण जी और उनकी पूरी टीम चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर जिस तरह से आयोजन किए हैं, लोगों को मार्केट भी अवेलेबल कराना। सबसे बड़ी बात कि कई बार कौशल विकास के माध्यम से या सब लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, अपना बना भी लेते हैं, लेकिन फिर उनको मार्केट उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हर महीने उनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, जिस तरह का स्टॉल देंगे, मंच देंगे, तो निश्चित रूप से महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी, वो आत्मनिर्भर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी ना वीमेन एम्पावरमेंट होगा। और एक महिला जब एक स्टॉल लगाती है तो कई कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ती है, तो इस तरह इन्हें इनक्रेज करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। दीपावली का शुभकामनाएं यहाँ से भी मिलता है, दीपावली का शुभकामनाएं कर दीजिए राज्यवासियों को, दीपावली और छठ की भी। थैंक यू। जितनी भी महिलाएं या स्टार्टअप से जुड़े युवा वर्ग के लोग, या चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, इस फेडरेशन में आए, हमारे साथ जुड़े, और उनका जुड़ने का बस यही मकसद होना चाहिए कि अकेले अगर वो चलेंगे तो शायद उनको दिशाहीनता लगेगी कि मैं किधर जाऊँ, मेरा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, मेरी मार्केटिंग कैसे होगी। परंतु अगर इस मंच, इस फेडरेशन के साथ आकर काम करेंगे तो हम उनको बहुत सारी सहूलियतें प्रदान करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, माइक्रो लोन्स उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, हम लोग धीरे धीरे इस पर विस्तार से बात कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जितने भी घर में अभी जो रुके हुए लोग हैं, उद्यमी हैं, जो कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं बाहर आने से, वो हमारे साथ जुड़े, बेझिझक होकर हम उनके साथ हैं। आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, क्या करना है जी? कैमरा के लिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आस्था किरण है, मैं ट्रैफिक की डायरेक्टर हूँ, और साथ ही साथ मैं वुमेन सब कमेटी चेयरमैन एडजस्ट सीआई की। थैंक यू।